नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखो, इलेक्शन के टाइम किसान बाप बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे नेता किसानों की जायज और नाजायज औलादे हैं। खेत में फसल काटने लगेंगे, ट्रैक्टर पर बैठकर घूमेंगे, उनके घरों में घुसकर खाना खा लेंगे, किसानों को अन्न देवता बताएंगे, भगवान साबित कर देंगे। अब तुम्हारे भगवान को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। ऐरे गहरे लोग किसानों का कॉलर पकड़कर आतंकियों जैसा गजेट कर जेलों में ठूस रहे हैं। अब तुम्हारे मुंह से थूक नहीं निकल रहा है। अब वो अन्नदाता भगवान नहीं रह गया क्या? अरे थूकती हूं मैं तुम्हारी इस राजनीति पर। जो भी किसान को परेशान करेगा, इतिहास उसे माफ कभी नहीं करेगा। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, भस्म हो जाओगे, मैं बता रही हूं भस्म। क्या आप जानते हैं यूपी में 500 के करीब किसान पराली जलाने के आरोप में जेल में डाल दिए गए हैं या फिर केस ठोक दिया गया है। आप सोच कर देखिए, बुआई का सीजन है, हमारे यहां धान कटते ही उसी नमी में गेहूं या सरसों बोया जाता है, लेकिन किसान जेल में पड़े हैं। अगली फसल कौन बोएगा, सोचा है तुमने? नहीं सोचा होगा। तुमको खेती से क्या मतलब? तुम्हारी फंडिंग तो उद्योगपति करते ही हैं। तुम तो उद्योगपतियों की गोद में बैठकर घूमोगे, तुम किसानों का दर्द क्या समझोगे? तुमने कह दिया पराली जलाओगे तो जेल जाओगे। अब किसान पड़ा है जेल में। मैं तुमसे पूछती हूं, किसान पराली ना जलाए तो क्या करे? तुमने कोई दूसरा रास्ता बनाया है? बताया कोई दूसरा रास्ता? नहीं बताया। कायदे से तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए। अगर तुमको लखनऊ और दिल्ली में बैठकर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से किसान एक बीघा धान 600 रुपए में कटवा लेता है। उसका धान सुरक्षित घर पहुंच जाता है। खेत में पड़ी पराली में आग लगा देता है और अगली फसल लगा भी देता है। पराली में आग लगाने से प्रदूषण होता है, मैं मानती हूं यह गलत है, लेकिन किसान क्या करे? खेत से पराली हटाने के लिए 10 मजदूर की जरूरत पड़ती है। एक मजदूर लेता है 300 रुपए, 10 मजदूरों के हिसाब से देखा जाए तो हो जाते हैं करीब 3000 रुपए। क्या आप किसान को 3000 रुपए देने के लिए तैयार हैं? हैं आप तैयार? और अगर आप तैयार हैं तो मैं गारंटी लेती हूं कि किसान पराली नहीं जलाएगा। दूसरी बात पर आते हैं। किसान जब मजदूरों से धान कटवाता है, मुट्ठे बंधवाता है, एक जगह रखकर पिटवाता है, उसे ओसाता है, तब पराली की समस्या नहीं होती है। लेकिन किसान को करीब 7000 रुपए प्रति बीघा का खर्चा जाता है। किसान मशीन से धान कटवाता है तो 600 से 1000 रुपए में काम हो जाता है, लेकिन पराली जलानी पड़ती है पुलिस को आगे करने वालों, किसान के भक्षकों। क्या तुम 7000 रुपए किसान को अनुदान देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं गारंटी लेती हूं कि किसान पराली नहीं जलाएगा। अब बुद्धि के हेटों और किसानों के दुश्मनों को मैं अकल की बात बताती हूं, गौर से सुनिएगा। तुमने गौशालाएं बनवाई है ना, जिसमें गाय भूख से तड़प तड़प कर मर जाती हैं। किसानों की पराली खेतों में पड़ी है। जो पुलिस वाले किसानों को पकड़ रहे हैं, अपने उन पुलिस वालों को भेजो और पराली उठवाकर गौशालाओं में डलवा दो। गाय पराली बहुत मन से खाती हैं, बड़ी शौकीन होती हैं। गायों का भी पेट भर जाएगा और पराली का भी समाधान हो जाएगा। और जो हजारों करोड़ का बजट गौशालाओं में गायों का चारा खिलाने में खर्च करते हो, वो भी बच जाएगा। वो जो पैसा बचाओगे, वो किसानों को पराली के नाम पर भी आप दे सकते हो। गौशालाओं में 1000 रुपए कुंतल भूसा खरीदा जाता है। किसानों को 20 कुंतल का भी 1000 रुपए दे दोगे तो तुमको वो भगवान मानेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं। तुम वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि किसानों के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।